नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। इशरत मामले में हुआ राजनीतिक हस्तक्षेप, पूर्व गृह सचिव जी के पिल्लई ने कहा। इशरत जहां मुठभेड़ मामले के संबंध में पूर्व गृह सचिव जी के पिल्लई ने शुक्रवार को नया खुलासा किया है कि इशरत के मामले में जांच को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक दबाव बनाया गया था। पिल्लई ने अंग्रेजी समाचार चैनल टाइम्स नाउ को दिए एक साक्षात्कार में इशरत की मुठभेड़ से संबंधित गुजरात उच्च न्यायालय में सरकार की ओर से जो एफिडेविट दाखिल किए गए उसमें राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप के बाद बदलाव किया गया था। हालांकि पिल्लई ने इस बारे में नहीं बताया कि दूसरे एफिडेविट में क्या बदलाव किया गया। उल्लेखनीय है कि इशरत जावेद शेख, अमजद अली, अकबर अली राणा तथा जीशान जौहर बस 2004 में अहमदाबाद में कथित मुठभेड़ में मारे गए थे। अमेरिका ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका ने इस सप्ताह में दूसरी बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। अमेरिका ने मिसाइल का परीक्षण अपने परमाणु अस्त्रों की विश्वसनीयता को परखने के लिए ऐसे समय किया है जब रूस तथा उत्तर कोरिया के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने अपनी मिसाइल का परीक्षण गुरुवार आधी रात से पहले कैलिफोर्निया के अपने बैंडनबर्ग एयरबेस से किया। अमेरिका का 2011 के बाद से यह 15वां परीक्षण है। मध्य प्रदेश विधानसभा में 1.5 लाख करोड़ से अधिक का वार्षिक बजट पेश। मध्य प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को वित्त मंत्री जयंत मलैया ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 1,58,554 करोड़ रुपए की आय और 1,58,713 करोड़ रुपए के व्यय का बजट पेश किया। बजट में अनुमानित घाटा 118 करोड़ रुपए बताया गया है। वर्ष 2016-17 के लिए राजकोषीय घाटा 24,913 करोड़ रुपए होना संभावित। बजट में स्कूल शिक्षा विभाग के लिए सबसे ज्यादा 20,939 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले वर्ष इसके लिए 15,749 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। बजट में अधोसंरचना विकास और पर्यावरण पर भी ध्यान दिया गया है। नगरीय विकास एवं पर्यावरण, पंचायत और लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, जल संसाधन आदि विभागों का बजट बढ़ाया गया है। अमेरिका के कंसास में गोलीबारी, 3 लोगों की मौत। अमेरिका में कंसास की एक निर्माण इकाई में एक बंदूकधारी की गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 14 अन्य घायल हो गए। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में बंदूकधारी मारा गया। अधिकारियों ने बताया कि बंदूकधारी भी लॉन, घास काटने की मशीन बनाने वाली इस निर्माण इकाई में कार्यरत था। कन्हैया कुमार की पिटाई पर केंद्र सरकार और पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर केंद्र और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है जिसमें उन 3 वकीलों के खिलाफ SIT जांच और अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है जो कैमरे में यह शेखी बघारते हुए कैद हो गए थे कि उन्होंने पटियाला हाउस अदालत परिसर में JNU छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार तथा पत्रकारों सहित अन्य लोगों की पिटाई की थी। न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति AM सप्रे की पीठ ने इन 3 वकीलों को भी नोटिस जारी किया जो कथित तौर पर एक स्टिंग ऑपरेशन में शेखी बघारते पकड़े गए थे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।